हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। और मैं हूँ नीलम व्यास। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे, जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट है और ये डिफरेंट टाइप के हैं, तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। जिसके लिए मैंने मेथी को ले लिया है, उसे अच्छे से काट के धो लिया है, आलू को बॉईल करके ले लिया है, कुछ मसाले हैं और यहाँ पर लहसुन को कूट के ले लिया है, और टेस्ट के हिसाब से हमें नमक चाहिए। तो सबसे पहले हमें पराठे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। कढ़ाई में राई का तेल डाला है। तेल गरम होते ही उसमें लहसुन को जो हमने कूट के रखा था वो लहसुन डाल दिया है। अभी जो हमने आलूओं को बॉईल किया था ना, उससे मैंने मैश कर दिया है और आलू को भी डाल दिया है। अभी इसके अंदर जो हमने मेथी को काट के रखा था वो मेथी डालनी है, और इन सबको अच्छे से हमें मिला देना है। अभी इसमें हमें सूखे मसाले करने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, धनिया जीरा पाउडर और नमक। आप इसमें हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चे खाने वाले हैं इसीलिए मैंने सिर्फ सूखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिला देना है। थोड़ी देर मसालों को पकने देना है और गैस की फ्लेम ऑफ करनी है। अभी जो ये मसाला हमने तैयार किया है उसे एक परात में ले लेना है और इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। रूम टेम्परेचर पर आए उतनी देर तक इसे हमें ठंडा करना है। तो अभी हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो इसमें मैंने आटा डाल दिया है और आटे को हमें मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से इस तरीके से मिला देना है। थोड़ा थोड़ा करके आटा डालिएगा। और अभी देखिए, हमारा आटा और मसाला अच्छे से मिल चुके हैं। तो अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका बहुत ही अच्छे से डो रेडी कर दूँगी। आटा हमें ऐसा रेडी करना है जिससे हम पराठा बेल पाए। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है, मैंने उसकी लोइयां भी बना ली है, और देखिए एक पराठा आपको बेल के भी दिखा दिया है, और साथ ही साथ मैंने एक पराठा सिकने के लिए भी रख दिया है। तो पराठे को आप घी, तेल, बटर में जैसे भी सिकना चाहो वैसे सेक सकते हो। अभी आप पराठे को एंजॉय करने के लिए सेजवान चटनी का इस्तेमाल कीजिए, या मुरब्बे का इस्तेमाल कीजिए, अचार का इस्तेमाल कीजिए, या चीज़ स्प्रेड लीजिए, या जैम, बटर। आपको जिस किसी के साथ भी पराठे को एंजॉय करना है उससे उसके साथ एंजॉय कीजिए। ये ऐसे भी आप खाओगे तो बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं। इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, इसे ब्रेकफास्ट में, डिनर में, पिकनिक में कभी भी इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी वाले और सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनके तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।